फैसल वावड़ा साहब और मुस्तफा कमाल साहब को बुलाइए। Want to address them? Address him? जी, okay. जी आप MNA हैं ना? जी सर। और आप माशाल्लाह सेनेटर हैं। सर। देखिए इस कौम को पार्लियामेंट बहुत अहम चीज जगह है। आप उनकी आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। आप नेशनल असेंबली में और आप सेनेट में इस कौम को इस इदारे की जरूरत है और इस कौम को इस इदारे की भी जरूरत है। ठीक है, हम आपकी इज्जत करेंगे, करते हैं और करते रहेंगे इदारे के तौर पे, और उम्मीद है कि आप भी हमारी उतनी इज्जत ना करें तो थोड़ी कर लें। जो अगर हम एक दूसरे की इज्जत ना करेंगे तो हम आवाम मायूस होगी, और ना सिर्फ मायूस होगी बल्कि वो समझेगी कि क्या हो रहा है, हम आप पे उंगली उठाएं या आप हम पे उंगली उठाएं। जहाँ तक आपकी आपके पास प्रोटेक्शन भी है आर्टिकल 66 में, आप पार्लियामेंट में कुछ बात कर सकते हैं, वो आपके पास आईन आपको तहफ़ देता है। अगर जहाँ तक बाहर हो, ज़रा अल्फाज का चुनाव सोच समझ के अगर आपके पास कोई चीज़ है, कोई बात करना चाहें, तरीके होते हैं, मगर एक दूसरे को नीचा दिखाना कोई मेरे ख्याल में इसमें फ़ायदा किसी हम आप हमारा फ़ायदा छोड़ दीजिए, आवाम को नुकसान हो रहा है। मगर एक अच्छी बात है कि, और ये शायद मैंने पहली दफ़ा कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग बात करते हैं कि ये भी तनकीद है कि भाई उन पर क्यों नहीं है, आपने भी शायद जिक्र किया, अगर आप अपना स्टेटस उनके बराबर करना चाहें वो एक दूसरी बात है। स्टेटस मेंबर नेशनल असेंबली और सेनेटर का मेरे ख्याल में आम शहरी से बहुत ऊंचा होता है, तो जितना स्टेटस बड़ा होता है उतना इंसान को ज़रा मोहतात भी होना होता है और बात भी। अब वो सड़क की बात आपके मुंह से सुनी जाए तो जेब नहीं देगी, सड़क वाले को तो कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो कोई मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, ज़रूर बात करेगा, शायद बहुत बुरी बातें करे इससे ज़्यादा, मगर आप से हमें ये तवक्को नहीं है। और मैं तो इस ये ऐवान नहीं है तो मेरे ख्याल में एक तरह से मुल्क भी नहीं है, ये बहुत ही अहम ऐवान है, और आईन में भी कुछ बातें इंदराज हुई हैं जिसमें से फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यकीनन है, आर्टिकल 66 में आप पार्लियामेंट में बात भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा बात कर सकते हैं, आपका उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता, मगर जब पार्लियामेंट से आप बाहर निकलते हैं वो आपको तहफ़ आर्टिकल 66 का होता नहीं है। तो इसलिए हमने आपको नोटिस दी, और आप इनको शोकॉज नोटिस दिया था, तो आप लोगों की चलें, आप लोगों ने कंसिडर किया और आपकी अनकंडीशनल क्योंकि अपॉलोजी आ गई है, तो ये हम मामला आगे इसको मज़ीद नहीं ले जाएंगे, मगर ये इतना आपको कहेंगे कि आइंदा ज़रा ख्याल रखिए, क्योंकि अगर एक दफ़ा होगा अगली दफ़ा शायद ये रियायत ना मिले। तो अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि आप लोगों को शर्मिंदा हैं जो अल्फाज का चुनाव आपने किया है, और बस देखें हमारा दीन भी ये कहता है कि भाई जब कोई आदमी मान ले और फिर इकरार कर ले तो फिर उसको फिर उस पर नरमी रखना चाहिए, तो दीनी तकाजों के तहत, क्योंकि आपने भी शायद नोटिस के बाद कुछ रुजू किया उल्मा कराम से, उन्होंने भी शायद आपको यही मशवरा दिया था, तो ये हमारी आप कहना चाहते हैं सर, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा पूरे बेंच का सर, मैं एश्योरेंस आपको देता हूं सर कि आपने कहा कि आप हमारी इज्जत करेंगे, आप हमारी थोड़ी सर, हम आपकी इज्जत 10 times ज़्यादा करेंगे, हम आपको ये प्रूव करके दिखाएंगे, आपके इदारे की भी करेंगे, और आपको इंशाल्लाह कभी ऐसा मौका वापस ऐसा फील भी नहीं होने देंगे। दूसरी सर मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये थी कि सर बीइंग ग्रेशियस आपका पूरा बेंच साहब मेहता आपके सर, आपने हमें और भी डायरेक्शन दी, इंस्पायर किया, शायद हमारी ज़िंदगी में वो सब काम आएगा। एक गुजारिश सर मेरी आपसे थी, आपने वो
बहुत अच्छी बात बताई कि मैं हमें उस लेवल पे नहीं जाना चाहिए जिसके हमने आपको हवाला दिया। लेकिन सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी सर आपसे, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं, इदारा हमारा बड़ा है, आप सब हमारे वैसे भी बड़े हैं, सर मुझे एक चीज़ की बड़ी बहुत कर्ब से गुजर रहे हैं सर, मैं और मेरे वालदा तो हयात नहीं रही कि सर मुझे डायरेक्टली एक जज सर प्रॉक्सी कह रहा है, एंड अ ब्लेम जिसको इंडियन न्यूज़पेपर्स में सर उठाया गया है, एंड माई फादर इज द ओनली मैन लेफ्ट एज एन एल्डर इन माई फैमिली, माई मदर पास्ड अवे व्हेन आई वाज जरा मैं आपको यहाँ रोक लूँ, अगर आप शायद अगर आप ना बात कहते तो वो वहाँ तक बात पहुँचती नहीं। अब मैं किसी और के लिए तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं अपनी ज़ात के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मगर अगर वो एक पहली बात नहीं होती शायद दूसरी बात नहीं होती। तो हम आपकी इज्जत और इस इदारे का एहतराम जैसे आपने तवक्कु की उससे ज़्यादा करेंगे। मुझे ज़ातियात पे कोई इशू नहीं है, मगर जब ज़ातियात जब इदारे से मुंसलिक हो जाती है ना, अब आप आज सेनेटर हैं कल नहीं होंगे, या आप MNA शायद कल ना हों, तो वो आप फिर आम शहरी हो जाते हैं, मगर आपकी कौम पे आपकी नज़रें होती हैं क्योंकि आप एक MNA हैं और आप एक सेनेटर हैं। कौम की नज़रें मुझ पे हो जाती हैं क्योंकि मैं चीफ जस्टिस हूँ, मेरे साथी जजेस जज हैं, तो ये ज़रा फ़र्क हो जाता है। अब हमें हर बात को अच्छा हमें भी नहीं लगता है नोटिस लें, क्योंकि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में भी करते हैं, मगर कुछ मेरे ख्याल में कुछ बातें कुछ ज़्यादा ही हो जाती हैं, फिर अब करना पड़ गया। और ये शायद मेरा तो ज़ाती तौर पर, तो मैंने पहली दफ़ा जब से मैं जज बना हूँ यहाँ भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, ये पहला ही वाकया था। सर कमाल साहब आप कुछ फरमाना चाहते हैं? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आपने कहा कि रिस्पेक्ट वाली बात, यार वो आपने बातें सुनी जो उन्होंने वो कुरान शरीफ किया, सर मैं एग्जैक्टली किया जी, सर मैं इस एग्जैक्टली इसी पॉइंट में इससे बिल्कुल हटकर जिस तरह आपने कह दिया, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता शुक्रिया के अलावा, लेकिन सर ये अपॉर्चुनिटी शायद मुझे दोबारा ना मिलेगा, आपने मुझे अलाउ किया है, तो इस हवाले से सर मैं जो है वो आपके सामने, अभी जब ये ब्रेक हुआ हुआ था तो जो हाफिज साहब हैं मैं उनके पास भी गया, और चूंकि आप माशाल्लाह से सर मैंने दो हियरिंग में ये बात देखी है कि एक तो प्रीएम्बल की आप बात करते हैं, वेयर द सोवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन, यहां से शुरू होता है हमारा प्रीएम्बल, और दूसरी बात आपने कुरान दीनी हवाले और कुरान से आपने ये वाली ये सारी कि तोहमत पे और जो है वो बैक बाइटिंग पे सारा, मेरे लिए ये सर ये फ्रॉम द पर्सन अ जज लाइक ऑनरेबल यू एंड सर आपकी जो टीम है, तो मुझे मेरे लिए बड़ी इंकरेजिंग थी। इसी हवाले से सर एक मैं गुजारिश मैंने सर की है कि मुझे तो शायद मौका नहीं, मुझे नहीं पता आप मुझे मौका देंगे, मैंने वकील साहब को गुजारिश की थी कि आपने जो पाइल अप करके जो कुरानी आयात सर को दी हैं उसमें काइंडली सर सूरह बकरा और अगर फ्रॉम नॉट मिस्टेकन आयत 187 या 78 में रिबा के हवाले से अल्लाह ताला कह रहे हैं, मैं आपको रोकूंगा यहाँ क्योंकि कि हमारे सुप्रीम कोर्ट अपेलेट बेंच होती है सर, हमारे जज साहब वफात कर गए थे सर, तो अभी आपने शायद देखा जी सर, वो एडहॉक जज होते हैं शरीयत अपेलेट बेंच के, जिनको जो आलिम मेंबर होते हैं जो चेयरमैन काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी हैं, तो अब पूरी सारी हमने मैंने नशस्तें भी पूरी कर दी काफ़ी वक्त बाद सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी एक आईनी पोस्ट है, उसके उनके बगैर चल नहीं सकते थे केस, तो आप उनका जिक्र ना करें क्योंकि केस है, आप उसको छोड़ दीजिए वो बात ना करें, इसके मुताल्लिक कोई बात करना करिए दूसरी बात ना कीजिए। नहीं बस बस मैं चूंकि मैं सर वो अपॉर्चुनिटी कुरान वाली नहीं वो ना करें सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप तशरीफ रखें, शुक्रिया सर, शुक्रिया। Do you want to add anything? My lord, I think after this unconditional apology, my lord make wish to consider it under in terms of rule 11. सुन लिया। Yeah. तो अब उसके बाद अब I think ये वो मैंने जो जिक्र किया ना order का ये काश्मीर